वेलकम बैक। आज जिस गेस्ट से, जिस सहेली से आपकी मुलाकात करवानी है, शी इज़ द मोस्ट ग्लैमरस, मोस्ट चार्मिंग दीवा ऑफ लाइमलाइट। बहुत ही अच्छा काम करती हैं, बाय चांस मॉडलिंग की उन्होंने, मगर अब बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं और मॉडल तो वाह कमाल हैं। वी हैव वन एंड ओनली सोफिया मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लाइफ जो होती है ना वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल होती है। हुआ ये कि सोफिया ने यहाँ पे आना था, आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि आज इन्होंने कुकिंग जल्दी क्यों कर ली, मगर सोफिया सोई की नहीं, मॉर्निंग शो में बात कर ली ना आपने। हाँ, मुझे याद था कि ये मॉर्निंग शो में लाइव बात हो। लेकिन यू नो, आई हैव टू टेल यू समथिंग एंड आई हैव टू टेल माय व्यूअर्स वन थिंग, कि सोफिया की अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट शी केम। दो तीन ऐसे हमारे गेस्ट थे जिन्होंने कहा कि वो आएंगे और वो नहीं आए। और यू नो, इट्स लाइक ये, और ये जो आप यहाँ पे पहुँच रहे हो, जिस तरह से पहुँच रहे हो, एंड यू आर वेरी अपोलोजेटिक, यू डोंट हैव टू, यू आर हेयर, आपको देख के हम फ्रेश भी हो गए और खुश भी हो गए। अच्छा, बात खूबसूरत लग रही है आप, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी आपको। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, दूसरा मुझे बताओ कि बाई चांस आ गए मॉडलिंग में। अब इतनी बातें करने वाली थी, इतनी चीज़ें मैंने बातें करनी थी, मगर अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन जल्दी जल्दी हम हर चीज़ को टच करेंगे। बाकी लिख के नीचे लगा देंगे। नहीं, हम आपको दोबारा बुलाएंगे ऑफकोर्स। अच्छा, बाय चांस मॉडलिंग में आई, कभी सोचा था कि इस बिजनेस को अपना प्रोफेशन बनाना है? नो, कभी भी नहीं सोचा, बिकॉज आई केम लाइक बाय चांस, एज आई मेंशन। उसके बाद ये हुआ कि काम अच्छा शुरू हुआ, मीनवाइल आई वाज वर्किंग फॉर PIA, और फिर अच्छा आई स्टार्टेड डूइंग क्वाइट वेल इनिशियली। और व्हेन यू स्टार्टेड यू वर एवरीवेयर, जैज गर्ल एंड पॉन्ड्स का जो लिप्टन, और उसके बाद एक जो फिजा एक जो थी लॉन, यू वर एवरीवेयर, यू नो, बिलबोर्ड्स, और एक होता ना हवा चल गई कि जी सोफिया मिर्जा, सोफिया मिर्जा। हाउ डिड यू फील? बिकॉज मैंने भी अपनी जिंदगी में एक दिन एक्सपीरियंस किया था कि वन नाइट आई वॉज नो वेयर एंड द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, मेरा एक कमर्शियल था उसका, वो आई वॉज एवरीवेयर। हाउ डिड यू फील? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फेल्ट नथिंग। Really? I felt nothing. I felt very good that I was famous, but for me, maybe that was too early, about 9 years back. Sorry. It was too early for me to feel such thing, ki what is glamour? And because I was also studying at the same time, aur uske baad feeling aisi nahi thi, ghar se dar lagta tha. Acha. Ki yaar ghar wale. Kiska dar tha? My mother was very supportive. लेकिन फैमिली वाले थोड़े से होते हैं, बिकॉज आप 9 साल पहले एक चीज़ शुरू करें। सही। You were very young, बहुत छोटे थे आप उस। नहीं, इतनी भी छोटी नहीं थी। आई लाइक दैट। 15 साल की, 14 साल की, 12 साल की बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जरूर थी, अब मैं नहीं बताऊंगी। तो ये था कि आई फेल्ट वेरी नॉर्मल, आई वॉज वेरी नॉर्मल टू एवरी वन, एंड आई डिड जैज़ फॉर द थर्ड टाइम, और बहुत ज़्यादा शोज किए। शायद वो एक आप में वो आई वुडन्ट कॉल कि स्नबिश हो गई, बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी, एंड पीपल फेल्ट दैट आई डोंट टॉक टू एवरी वन, विच इज़ माई नेचर। इट इज़ नॉट कि मैं अब से हूँ, इट इज़ सिंस आई वॉज बोर्न। अच्छा, आप क्वाइट हो, खामोश रहते हो। और मैं कम, जिससे मेरी दोस्ती होती है सडनली क्लिक कर जाता है, यू नो, लेकिन नहीं होती तो फिर आप घंटों बैठे रहे, नहीं होती बात, नहीं होती। अच्छा, कौन सा ऐसा दोस्त रहा है जिससे क्लिक करके क्लिक हुई और आज तक बड़ी अच्छी खूबसूरती से निभ रही है? मेरी दो फ्रेंड्स हैं, अदरवाइज तो काफी हैं, लेकिन दो एक्वेंटेंसेस, हेलो हाय, और बहुत होती है। हाँ। मगर वो जो मुखलिसी होती है ना, exactly, जो आज तक कनेक्टिविटी जो इसमें होती है। माई टू फ्रेंड्स ऑफ माइन, वो आजकल इंग्लैंड में है, और वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हम इतना, वन ऑफ देम वाज वन ऑफ माय फैंस। हाँ, शी यूज्ड टू लाइक मी अलॉट, और वैसे वो शी यूज्ड टू पैम्पर मी अलॉट, और बस दोस्ती ऐसे हुई कि पता ही नहीं लगा, आज 9 साल से वी आर फ्रेंड्स, स्टिल इन कॉन्टैक्ट। क्या बात, यू नेवर नो। अच्छा, पता है होता क्या, जब आपको ऐसी दोस्त मिल जाए, मेरी भी एक सहेली है जो कुवैत में होती है, मानी, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, शी इज द लव ऑफ माई लाइफ, बट ये कि ऐसी दोस्तों के साथ जब आप होते हो ना, तो आप एक मुख्तलिफ इंसान होते हो, और नॉर्मली आप होते हो, यू नो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, ये वो सही कहती है, उन लोगों के साथ आप हर चीज शेयर कर रहे होते हो, बिकम योरसेल्फ। तो कौन सी ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हो ऐसी क्लोज दोस्तों या अपने घर वालों के साथ, अपने क्या ऐसा रवैया होता है, क्या ऐसा बिहेवियर होता है जो हर किसी के साथ नहीं होता और उन दोस्तों के साथ होता है और उसको बहुत इंजॉय करती हो?
यार देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक मैं आपके साथ अगर इस वक्त हूँ इसको आप हाइट पे ले जाए ना इस फ्रैंकनेस को आप हाइट पे ले जाए और इसको आप समझ लें कि हम जमीन पे बैठ सकते हैं, हम कहीं भी बैठ के बात कर एक दूसरे की लेग पुलिंग भी हो रही है और फुल टू गालियाँ अच्छा तो हम शुरू में तुम ऐसी और वी आर जस्ट हगिंग ईच अदर एंड वी आर जस्ट टॉकिंग लाफिंग एंजॉयिंग. I think this is the beauty of friendship. बिल्कुल. Where you don't have any pros and cons saying, अच्छा यार तुमने ये मुझे कह दिया, how dare. There you have acceptance for all. सही. So वो चीज़ होती है friends के लिए, family के लिए, और मेरा ख्याल है cousins, family member, आप दुनिया में मेरी न्यू कमर से भी यही request है और एक suggestion है कि वो जो आजकल चंद एक लोग मैंने models देखी हैं, they're very nice, but some of them are very snobbish. शायद अभी से कुछ बन गई हैं, तो वो जितनी इस तरह की फीलिंग जितनी जल्दी आती है वो उतनी जल्दी खत्म हो जाती है. बिल्कुल सही. जब अल्लाह की ज़ात देती है तो वो ले भी सकता है. बट इंसान में मैन आए, दैट शुड बी लाइक यू, गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी ओवरवेलमिंग टू न्यू कमर्स. ये भी नहीं है कि आप सीनियर है तो जेलिसी होगी. सो आई बिलीव आप पॉजिटिव रहें, जो आप कर सकते हो वो तो आप कर ही रहे हो. अच्छा, जो आपने बात की है ना कि लोगों में मैं ना आए, ये एक ऐसा लेसन है ज़िंदगी का जो आपको ज़िंदगी बहुत सारी गुजारने के बाद आप सीखते हो. आपने कब सीखा ये? ये मैंने सीखा, मेरी अम्मी मुझे शुरू से बताती थी. शायद थोड़ा मैंने बताया ना, बीच में एक फेज़ आ गया था, थोड़ी सी हवा लग गई थी. मिले थे उनको और बहुत लंबी चौड़ी बात हुई, और एक दफा नहीं दो दफा मेरी मुलाकात. कितनी एनर्जी थी उनके अंदर, बहुत. और मेरी अम्मी को देख के लोग कहते थे ये तुम्हारी बेटी नहीं लगती, जितनी टॉकेटिव मेरी अम्मी, सोशलाइजिंग उस तरह की मैं नहीं थी. सेम ही मेरी माँ के बारे में लोग ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, आपकी बेटी को क्या हो, आपकी बेटी भी और अच्छी है. लेकिन ये है कि वाकई योर मदर वाज लवली. हमारे साथ एक सहेली लाइन के ऊपर है, उनको भी लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. जवेरिया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुना ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. हमारे साथ हमारी एक और सहेली सोफिया मिर्जा मौजूद हैं, जो कि शो बिजनेस. ये तो हमारी मतलब कास्ट की है मिर्जा, मैं भी जवेरिया मिर्जा हूँ. अच्छा अच्छा, सही. मिर्जा सिस्टर्स. सोफिया बहुत खूबसूरत है, आपका काम बहुत अच्छा है, और अरुज आपको मैं बहुत ज्यादा मतलब मुबारकबाद दूंगी. जो आप काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा. और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि आपने नई जिंदगी शुरू की है. एक साल हो गया नई जिंदगी शुरू है माशाल्लाह. हाँ, और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मतलब आप अगर मुझे फोन कर सकेंगी प्रोग्राम के बाद, कैंडली मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है. जरूर, इंशाल्लाह. हेलो जी. जी मैं सुन रही हूँ. जी जी मैं आपको कॉल करती हूँ, मैं आपको शो के बाद कॉल करती हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. नई जिंदगी जब आप नई शुरू करते हैं तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और माशाल्लाह आपकी अच्छा यहाँ पे ब्रेक लेनी है, मैं सवाल तो कर लेने देना था. हम आपकी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत चेंज आया जब आपकी दो प्यारी प्यारी एंजल्स, हम उन एंजल्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो एंजल्स आपकी ज़िंदगी में होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं, और जो खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही होती है उसको बामकसद और बामानी बना देते हैं. इस हवाले से बात होगी इस ब्रेक के बाद.